हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स में। सो हमें ऑर्डर टू में कैसे निकालते हैं अगर टू ऑर्डर टू दे रखा हो। सो ऑर्डर टू कैसे होता है, जैसे हमें A11, A12, A21, A22, ये हमारा ऑर्डर टू है, 2 by 2 ये A है। सो हम इससे इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, A11 इंटू A22 हो जाएगा, देन हम माइनस करते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A21 इंटू A12। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेके करेंगे, ठीक है, और इसका सिंबल ये होता है A डिटरमिनेंट्स, इस तरह से लिखते हैं, सिंबलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल 3, 5, 4, 6, ठीक है, ये ले लिया हमने A। अब हम इसका A डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब डिटरमिनेंट्स के लिए 3, 5, 4, 6 लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 6, देन माइनस 5 into 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 into 6 क्या हो जाएगा, 18 माइनस 5 into 4, 20, 18 माइनस 20 क्या हो जाएगा, -2। ये हमारा डिटरमिनेंट्स आ जाता है अगर ऑर्डर टू हो, इस तरह से हम निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ए डिटरमिनेंट्स क्या आ गया हमारा, -2। नेक्स्ट जो है हमारा, अगर हमने डिटरमिनेंट्स ऑर्डर थ्री में निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये ले लिया हमने 3 by 3, ये हमारा ऑर्डर 3 है। इसमें हम कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, सबसे पहले जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो लेके हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में क्या लिखा है, 1, सो 1 लिख लेंगे, देन डिटरमिनेंट लगाएंगे। डिटरमिनेंट में जैसे 1 है, 1 का जो रो है वो कट जाएगा और इसका 1 से जो कॉलम है वो कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 5, 6, 8, 9, ठीक है। इससे पहले, अब सबसे पहले जो फर्स्ट रो है इसके मैं साइंस बता देती हूँ, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो के, सेकंड रो का माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो का प्लस माइनस प्लस, ये हमारे साइंस है जो हम लगाते हैं। हम तीनों में से किसी भी रो से निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट मैं फर्स्ट रो से निकाल रही हूँ, सबसे पहले 1 लेके, फिर ये कट गया और ये हमारे पे बचा, इसका डिटरमिनेंट्स लिख लिया। देन जो फर्स्ट रो है उसका साइन देखना है, साइन फर्स्ट प्लस का ही है तो प्लस लगाए, सेकेंड माइनस का है तो माइनस लगा लेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नंबर 2 है, 2 लिख लेंगे। अब डिटरमिनेंट लिख लेंगे 2, ये कॉलम कट जाएगा, ये रो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4, 7, 6, 9, इसको लिख लेंगे, 4, 7, 6, 9। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, साइन क्या है, प्लस का साइन है, प्लस लगा लेंगे, देन 4 लिख लेंगे, 4 लिख लिया। अब डिटरमिनेंट 4 है, ये कॉलम कट गया, ये रो कट गया, हमारे पास क्या बचा, ये बचा 4, 5, 7, 8, इस तरह से हम निकालेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व के लिए 1 लिख लेंगे, अभी हमें बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं डिटरमिनेंट्स, वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट 5 into 9 क्या हो जाएगा, 5 into 9 क्या हो जाएगा, 45, माइनस 8 into 6 क्या हो जाएगा, 48, ब्रैकेट माइनस 2, देन फिर से ब्रैकेट 4 into 9, 36, माइनस 7 into 6, 42, ब्रैकेट प्लस
फोर, देन करेंगे फिर से 4 × 8 32, माइनस 7 × 5 35 ब्रैकेट। अब सॉल्व करेंगे, 1 दोनों को माइनस करेंगे, 45 माइनस 48 क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 3 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। माइनस लिखेंगे, 2 लिख लेंगे, देन 36 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 36 माइनस 42 करके आ जाएगा हमारा, इंटू माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से प्लस 4, देन इंटू 32 माइनस 35 क्या हो जाएगा, माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन प्लस का आ जाएगा, 2 इंटू 6 12, प्लस माइनस माइनस का निशान आ जाएगा, 4 3 जब 12 माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 12 माइनस 12 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3, माइनस 3 हमारा डिटरमिनेंट्स आ जाएगा फर्स्ट रो से। सेकंड रो हो, थर्ड रो, हम तीनों में से किसी भी रो से करें, हमारा जो आंसर है वो माइनस 3 ही आएगा। आप किसी भी रो से कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाऊंगी, जो फर्स्ट रो है उससे मैंने कर दिया, अब मैं सेकंड रो से करके दिखाऊंगी आपको, सेकंड रो से, ठीक है। बस हमने साइन सेकंड रो वाला लगाना है अब इसमें, ठीक है। 4 लिख लिया डिटरमिनेंट्स, ये कट गया रो, ये कॉलम कट गया, क्या बचा, 2 4 8 9, 2 4 8 9 डिटरमिनेंट्स, देन साइन देख लेंगे माइनस का है तो पहले माइनस का निशान लगा लेंगे, अब साइन प्लस का है, प्लस लिख लिया, फिर 5 लिख लेंगे इस रो में, 5 डिटरमिनेंट्स, ये 5 है तो ये रो कट गई, ये कॉलम कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 4 7 9, 1 4 7 9 ये आ गया, देन साइन माइनस का है, 6 लिख लेंगे, 6 देन डिटरमिनेंट्स 6 है, ये कॉलम कट गया, ये रो कट गया, क्या बचा, 1 2 7 8, 1 2 7 8। अब फिर से वैसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। माइनस 4 ब्रैकेट 2 × 9 18, माइनस 8 × 4 32, प्लस 5 9 × 1 9, माइनस 7 × 4 28 ब्रैकेट, माइनस 6 ब्रैकेट 8 × 1 8, माइनस 7 × 14 ब्रैकेट, देन माइनस 4 × 18 माइनस 32 माइनस 14, प्लस 5 × 9 माइनस 28 माइनस 19, माइनस 6 लिख लेंगे, इंटू 8 माइनस 14 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का आएगा, 4 × 14 56 आ जाएगा प्लस का, देन प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 × 19 95, प्लस माइनस 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 का निशान, देन 6 × 6 36, माइनस माइनस प्लस प्लस का निशान, देन सॉल्व कर लेंगे, 56 माइनस 95 माइनस 39 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस 36 लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस 39 माइनस 36 क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा हमारा, ये हमारा सेकंड रो से भी माइनस 3 आ गए। अब हम थर्ड रो करके दिखाऊंगी मैं आपको, इसका भी आंसर सेम आएगा, बस साइन हमने थर्ड रो वाले लगाने हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे 7 डिटरमिनेंट्स, 7 से ये रो कट जाएगी, ये कॉलम कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2 4 5 6, 2 4 5 6 लिख लेंगे डिटरमिनेंट्स, देन साइन देख लेंगे, साइन पहले प्लस का है फिर माइनस का है सो माइनस लगा लेंगे, देन 8 लिख लेंगे डिटरमिनेंट्स,
एट से ये रो कट गई, ये कॉलम कट गया, क्या बचा? 1 4 4 6, 1 4 4 6। देन साइन प्लस का है, प्लस लगाएंगे, 9 लिख लेंगे। देन डिटरमिनेंट्स, ये रो कट गई, ये कॉलम कट गया, ये बचा 1 2 4 5। अब फिर से वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, क्या करते हैं हम, 7 लिख लिया, ब्रैकेट 6 into 2 क्या हो जाएगा, 12, माइनस 5 into 4, 5 4 20, ब्रैकेट माइनस 8, ब्रैकेट 6 into 1 6, माइनस 4 4 16, ब्रैकेट प्लस 9, ब्रैकेट 5 into 1 5, माइनस 4 into 2 8, ब्रैकेट 7 into 12 माइनस 20 माइनस 8, देन माइनस 8 6 माइनस 16 क्या हो जाएगा, इंटू लिख लेंगे, माइनस 10 आ जाएगा। देन प्लस 9, 5 माइनस 8 क्या आ जाएगा, इंटू लिख लेंगे, माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 into 8 56, माइनस का, देन 8 into 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 80 आ जाएगा। देन प्लस माइनस 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 का निशान आ जाएगा, 9 into 3 27, प्लस इनको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस कर लेंगे, 56 में से 80 माइनस करा तो आ जाएगा हमारा 24, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आएगा। देन माइनस 27, अब 24 माइनस 27 कर लेंगे तो हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा जो तीनों है, तीनों रो से आप किसी भी रो से सॉल्व कर सकते हैं इसको, जो तीनों में से बस साइन हमें ये लगाने हैं, फर्स्ट रो के लिए ये निशान लगेंगे, ठीक है, सेकंड रो के लिए ये लगेंगे और थर्ड रो के लिए ये लगेंगे, ठीक है। आंसर तीनों का सेम आएगा, आप किसी से भी लगा सकते हैं।